दोस्तों आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के कारण सारे संसाधन बंद हो चुके हैं और ये साथी हैं जो ये शिमला से चले थे, दो दिन हो गए इनको चलते हुए और यहाँ पर कुछ लोग मदद भी कर रहे हैं, इनको चाय वगैरह भी ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसी दुख भरी कड़ी में मानवता ही साथ देगी। तो आप देख सकते हैं अम्बाला के वासी इनका सहयोग करते हुए। आप लोग नहीं सर, धन्यवाद धन्यवाद, आप इतना बड़ा सहयोग कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हिमाचल शिमला से आए हो आप, तो कितने दिन पहले आप वहां से निकले थे? दो दिन पहले आप वहां से निकले थे, तो कुछ पता नहीं था आपको भी ये बंद होने वाला है, ये सब कुछ है, या आप वहां क्यों नहीं रुके? ये नहीं पता था अभी बंद होने वाला है। अच्छा, आप वहां क्यों नहीं रुके? वहां तो खर्चा पानी नहीं था। अच्छा, 21 दिन के लिए आपके पास पैसा नहीं था चलाने के लिए। जैसे आपको यहाँ पर चाय दी है तो आप खाना वाने का प्रबंध कौन कर रहा है फिर आपका? वहाँ से लेके आए थे। वहाँ से खाना लेके आए थे आप, ठीक है। और सोते कहाँ पे हो फिर? सोते पटड़ी पे सोते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाईवे से ना, हाईवे से जा इंडिया। अच्छा, तो ट्रेन की पटरी का यूज किया? पटरी पर, बीच में तो रह नहीं सकते नहीं। फिर रात को बिना सोए कैसे चल रहे हो? दो दिन से सोए नहीं आप? दो दिन से घंटे, दो घंटे के लिए सोए। एक दो घंटे के लिए सोए हैं। कहाँ से चले हो आप लोग? ऊपर से चले। अच्छा, रास्ते में खरड़ा कुराली के पास पुलिस वालों ने खाना खिलाया सुबह, और वहाँ से हमको अम्बाला तक, लालू तक छोड़ दिया था। वहाँ से फिर हम पैदल आए यहाँ तक अम्बाला तक। अम्बाला से फिर हमने, हमको पुलिस वालों ने मेरठ के लिए उसमें पीसीए में बैठा दिया। आगे आगे पुलिस वालों ने काफ़ी गालियाँ दी हम, फिर हमको वापस वहीं पहुँचा दिया। अब बताओ हमारा क्या दोष है इसमें? हम अपने देश में भी जिंदगी नहीं बिता सकते, बाहर से बंदों को बुला रहे हमारे पीएम साहब, और यहाँ हम घर में मर रहे हैं, अपने अपने देश में भी नहीं हम चल रहे। पर हमको पहले बोलना था कि भाई तुम भी अपने घर पहुंच जाओ। हम लॉकडाउन क्या है, क्या चीज़ है, डाउन फाउन हम तो जानते नहीं, ये कर रहे हैं। कम से कम पहले दो दिन, एक दिन का बोला, फिर 14 अप्रैल का बोल दिया, अब 3 महीने के लिए, हम 3 महीने का राशन दे रहे हैं, घर सुविधा पहुंचाएंगे। हमारे पैसे अभी तक उन लोगों ने नहीं दिए जहां हमने काम किया है। बताओ हम क्या खाएं, क्या करें? वहाँ पुलिस निकलने नहीं देती रोपड़ में बाहर। अब रात को वहाँ से चले तब यहाँ तक पहुँचे। अब आप लगभग कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हो? महाराज जी, हम 150 किलोमीटर यहाँ तक आ गए। 150 किलोमीटर पैदल चल के उसमें हम करीब हम रोपड़। और जाना कितनी दूर है? अभी जी हमारे पास 400 किलोमीटर का सफर है, कम से कम। हमारे पैर दुखने लगे, बहुत बुरा हाल है हमारा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक और समस्या है हमारे भारत में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग फ्री में खड़े हैं, कोई बात नहीं है, कोई चीट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग, अगर ये अपने घर पे रहेंगे तो कोरोना जैसे वायरस से तो हम बड़ी आसानी से लड़ लेंगे। लेकिन ये आप देख सकते हैं, मैं बाजार में सामान लेने के लिए आया था, दवाइयाँ लेने के लिए आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं। ये देखो इधर, ये फ्री में बैठा है बंदा, क्या मतलब है इसका बैठने का? देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 4-5 बंदे खड़े हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। देख सकते हैं इन पैदल लोगों को, ये लोग पता नहीं कहाँ से चले हुए हैं और इनको कहाँ पे जाना है। तो और ये बहुत छोटा शहर है, मैं अगर अपने छोटे शहर में इतने लोगों को देख पा रहा हूँ तो दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे बड़े शहर में कितने लोग होंगे ऐसे से। और ये एक ट्रांसफर का भी काम कर सकते हैं, कोरोना वायरस का ट्रांसफर भी इनके द्वारा हो सकता है, क्योंकि ये बड़े शहर में काम करते थे, वहां से ये वायरस गाँव में भी जा सकता है। तो सरकार को इनको भेजने का प्रबंध करना चाहिए और इनकी टेस्ट का स्पेशली प्रबंध करना चाहिए कि इनका टेस्ट हो, ताकि ये बीमारी आगे तक ना पहुंचे, आगे जो हमारे गांव है वहां तक ये बीमारी ना पहुंचे। तो इसके लिए हम करेंगे, मैं जरूरी सामान दवाइयां लेने के लिए आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में हमारी आम पब्लिक को भी पता चले, वो जहां जहां पर भी उनको ऐसे लोग मिलते हैं तो उनको ऐसे ही सहयोग करें, जैसे यहाँ पर सरदार जी चाय पिला के इनका स्वागत कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं।